अभी ये बच्चे रनिंग करेंगे 1 माइल इस ग्राउंड के, 2 चक्कर लगाएंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले आता है, क्या इनकी परफॉर्मेंस है। 1 2 3 गो। दूसरा राउंड है, 2 राउंड लगाने, 2। गुड, शाबाश। बच्चे क्रॉस करो बड़े, आप क्या असल टेस्ट तो आप लोगों के ना। अहमद पीछे रह गए बच्चे। स्पीड अप, स्पीड अप, शाबाश जी। पहले नंबर पे आया एहसन, गुड, शाबाश। दूसरे पे छोटा बच्चा है जवाद। तीसरे पे ये दोनों बच्चे हैं। चौथे पे आ रहा है अब्दुल्ला। पांचवें पे नंबर पे आ रहा है हसन। छठे नंबर पे आ रहा है अब्दुल राफे। सबसे लास्ट में आ रहा है अहमद। 1 2 3 गो। काउंट करें आप। अहमद करो ना पुशअप। प्रॉपर नहीं है दानिश, प्रॉपर सीधी बॉडी होती है फिर होता है प्रॉपर। कितने किए हैं? 41। गेट अप। कितने किए हैं? 20। आपने काउंट किया इसके? 20 जी। 21। आपने 3 किए हैं, पुशअप नहीं कर सकते। अभी आप लोग डाउन हो जाएंगे, सामने खड़ो। 1 2 3 गो। ये प्रॉपर कर रहा है बच्चा, सही। हाँ, मिलिट्री कॉलेज में करने पड़ेंगे बच्चे आपको पुशअप्स, डेली कराते हैं पीटी में। ओके स्टॉप, काफ़ी हैं। कितने किए हैं? 47 जी। 16 किए हैं? 12। अच्छा, अभी क्रंचेस करने हैं, सेटअप जैसे कहते हैं। घुटने खुलेगा तो काउंट नहीं करना, ये सामने जो खड़े हैं काउंट नहीं करेंगे, जब घुटना खुल जाएगा तो काउंट नहीं करना। हाथ पीछे लगाएं, सर की तरफ बांधें हाथ। ओके 1 2 3 गो। काउंट करो, 1 2 3 4 5। काउंट नहीं करोगे वो? 18 19 20 22 21। ओके गेट अप, गेट अप, गेट अप। कितने किए दानिश ने? 25 40 20 3। खड़े हो जाओ ना, स्टैंड। 24 खड़े जल्दी हुआ करें ग्राउंड में। 24 आप लोग डाउन हो जाएंगे। इधर बच्चे अपनी जगह पे इस पोजीशन में, कोई मसला नहीं।
ओके, वन टू थ्री गो। हाँ छोड़ दो बच्चे, आज ना लगाए उधर, ये सारा भी देंगे वो। काउंट करते रहें साथ साथ, काउंट करते रहें। अब्दुल राफी को मैं देख रहा हूँ, अब्दुल राफी देख रहा हूँ बच्चे मैम। ओके गेट अप, कितने किए हैं? 31 जी, 34 15 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
एक्सरसाइज, एक शेड्यूल बनाया ना नमाज फजर के बाद एक्सरसाइज करनी है। ये हम अभी करने लगे हैं रिवीजन, बल्कि रिवीजन नहीं, इन बच्चों से मैंने सुनना है वर्बल, इनको टास्क दिए हुए वर्बल सारे करके आने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये ऐसा ना आ जाए, इस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करें। If four day of the month is Friday, then 19 day will be. सर इनमें ये करेंगे कि एक हफ्ते में सात दिन होते हैं, तो ये चौथा दिन है, तो इसमें हम सेवन ऐड करते जाएंगे, सात ये हो जाएगा, ग्यारहवा दिन वापस जो होगा वो भी फ्राइडे हो जाएगा, ग्यारहवा में सात ऐड करेंगे तो अठारहवा दिन जो होगा वो भी फ्राइडे हो जाएगा। तो फ्राइडे के बाद जो है उन्होंने उन्नीसवां दिन पूछा हुआ है, अठारहवा दिन फ्राइडे है, तो उससे एक आगे करेंगे तो उन्नीसवां दिन सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, सैटरडे आंसर करेक्ट है। यस सर, इधर सात ही हमने जवाब लिखा हुआ है, ऐसा ही है। यस सर जी, क्वेश्चन नंबर एट है ये जी, पढ़ें आप। इसमें लिखा हुआ है कि इफ वन मैन राइट फाइव पेजेस इन फाइव मिनट्स, देन वन मैन विल राइट वन पेपर इन हाउ मच टाइम। सर इसमें ये बताया गया कि एक बंदा पाँच मिनट में पाँच पेजेस लिख रहा है, और ये पूछा गया है कि एक बंदा एक मिनट में कितने पेपर लिखे, एक बंदा एक पेपर कितने टाइम में लिखेगा। तो अगर वो पाँच मिनट में पाँच पेजेस लिख रहा है तो वो एक मिनट में एक पेज लिखेगा, इसका आंसर सर एक मिनट आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये क्वेश्चन समझो मुझे, थ्री कैसे आए सर? ये टू प्लस टू और डिवाइड में है टू, तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा, और डिवाइडेड में टू है, तो टू वन ज़ा टू और टू टू ज़ा फोर, तो ये वन प्लस टू ऐड होके थ्री आ गया। इसमें कौन सा रूल इस्तेमाल किया है? ये डिमास रूल। डिमास रूल, डिमास रूल में पहले आपने डिवाइड करना है, ऐसा ही है। यस सर, फिर आप उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है जी, ये समझे आदिल सर? क्वार्टर ऑफ वन, वन टेंथ ऑफ 120 इज थ्री, कैसे? 120 का सर जी 12 होगा, और 12 का चौथा हिस्सा 120 का 12, जो दसवां हिस्सा होगा वो होगा 12, और फिर 12 का चौथा हिस्सा या क्वार्टर होगा क्या? थ्री होगा, थ्री होगा। ठीक, आज आपका पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो इन नोट्स को पढ़ा था आपने? जी सर, रीड किए थे बस। ये भी बताएं, इधर आगे सही स्टडी होती है या घर में होती है? यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ दोस्त भी तैयारी करवाते हैं सर, मैं तो नहीं पढ़ा रहा ना, एक दूसरे से सीखने हैं आपको जी सर, ऐसे कोऑपरेशन होगी भी। ये जितने वर्बल हैं घर में बंदा बोर हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? इधर पढ़ेंगे तो बोर भी नहीं होंगे, फौरन टाइम भी गुजर जाएगा, और सीखें भी आसानी से सीख भी जाएंगे। अभी कितने क्वेश्चन किए हैं अभी सर? टू थ्री पेजेस का लिए, इनमें कोई डाउट है? नहीं सर। सुनूँ, पूछूँ इनमें से? 90% 90 इज इक्वल टू 81, ये कैसे आया हम? सर ये 19 को 90 पे डिवाइड करेंगे, 0 0 से गया, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, बाकी भी कर लिया ना आपने। चलो